नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने लोड को कैसे इंसर्ट करना है सिमुलेटर में। तो उसके लिए हम अगर दोबारा से प्रोजेक्ट में आ जाएं, तो यहाँ से नेटवर्क में आ गए, यहाँ से आपने लोड पर क्लिक करना है। तो ये लोड पर क्लिक करना हमने काम ऐड करना है, यहाँ पे तीन नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन होती हैं। अब यहाँ पे उसकी मेगावाट वैल्यू और उसकी एम्बियर वैल्यू इसको चेंज कर सकते, जो आप अपनी मर्जी से लोड की वैल्यू रखना चाह रहे हैं उसको रख सकते हो। उसके बाद ये डिस्प्ले साइज है, उसका साइज चेंज कर सकते हो, उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो उसकी यहाँ थिकनेस चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे हम इसको 21 कर दें और यहाँ पे इसको अगर 10 करें, और उसके बाद इसके जो है ओरिएंटेशन है कहाँ पे आप इसको लगाना चाह रहे हो। जैसे कि अगर हम अपर करेंगे तो देखें इसने सर ऊपर की तरफ लगा दिया, तो डबल क्लिक करेंगे इसको हम करते हैं डाउन, तो इसको डाउन की तरफ इसने लगा दिया। अब यहाँ से आप जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने इन किया, उसके बाद अगर हम देखें उसके बाद हमने देखना है कि इसके साइज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। या जाए यहाँ पे इसको आप यहाँ से इसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डबल क्लिक करें इसकी थोड़ी, जैसे अगर हम विड्थ को बढ़ा दें 6 कर दें तो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। अगर हम इसकी थिकनेस को बढ़ा दें, ये लोड की थिकनेस भी बढ़ जाएगी। तो इसमें आप लोड को भी इंसर्ट कर सकते हो पावर सिमुलेटर को यूज़ करते हुए, और यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज को आप दोबारा से भी ऐड कर सकते हो, उनकी चेंज फिर उसकी स्टेबिलिटी या उसके बाद जो कस्टम है यहाँ पे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, या यहाँ पे OPF और रिवर्स बायड और ये जो। यहाँ पे शो करा बस नेम, यानी कि बस नेम कहाँ पे उसने लगाया, बस का नंबर और जो भी हमने जिस बस हमने नेम नहीं था चेंज किया वो 3 था, 3 पे, और बस आईडी जो है 1। अब यहाँ से वो उसकी शो करा जिस हमने बस पे उसको लगाया, इस तरह उसकी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, यहाँ से उसकी जो कॉन्स्टेंट पावर है उनको चेंज कर सकते हो, यहाँ से उसकी करंट को चेंज कर सकते हो, यहाँ से उसकी इम्पीडेंस को आप चेंज कर सकते हो। जैसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको करना चाहते हो आप उसको कर सकते हो। तो इसका साइज़ यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे देखिए उसका साइज कम हो गया। जैसे आप लोड को भी इंसर्ट कर सकते हो सिमुलेटर में।